प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज अपन मत्ती रचित सुसमाचार तीसरे और चौथे अध्याय से कुछ पद पढ़ेंगे। मैं जो बोलूंगा उसको पढ़ दोगे तो बहुत मदद होगी। जी सर, पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे जी सर। उधर बहन कमल जी इन वर्सेस को पोस्ट भी करती जाएंगी, जिससे जिसको जो दिखता है, जिसको जो सुनता है, उसकी मदद हो जाए। मत्ती के तीसरे अध्याय के पहले पद में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे पद में, बाय गब्बर सिंह, कौन तीसरा अध्याय सर, पहला वचन, तीसरा अध्याय पहला और दूसरा। जी सर। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। शुक्रिया। आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने जीवन में आज्ञाकारिता के लिए जाना गया। हम इस बात को जानते हैं कि राजा कौन होता है। कई सारे राजाओं के ऊपर और बहुत सारे राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला होता है बादशाह, जो अपने आप में एक बहुत ऊंची हस्ती होती है। किसी भी बादशाह को आज्ञा मानने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि बादशाह हमेशा आज्ञा देता है और दूसरे लोग बादशाह की आज्ञा मानते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण लिया जाए तो हम सब सिकंदर महान के बारे में जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका नाम ही सिकंदर महान इसलिए रखा गया कि उसने लगभग सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त किया, मतलब उस समय जो जिस दुनिया पर वो विजय करना था चाहता था उस पर विजय प्राप्त किया और उन सब के ऊपर उसने राज्य किया। वो राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह था, इसलिए हम उसको बादशाह कहते हैं। तो बादशाह हमेशा आज्ञा देता है, लोग बादशाहों की आज्ञा सुनते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में हम एक बादशाहों के बादशाह के बारे में देखते हैं, जिनके बारे में पिछले संडे हमने पढ़ा था। ये बादशाह शब्द मैंने पिछले संडे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। आज भी उसी बादशाह के बारे में मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उस बादशाह या प्रभु यीशु के बारे में बताने से पहले प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो सबसे सबको आज्ञा दे रहा था कि आओ मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें बताई थी, और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में प्रभु ने जो कहा है उसको पढ़ते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई सामान्य हस्ती नहीं था, लेकिन वो किसी और व्यक्ति के बारे में बताता है जिसको आगे हम देखेंगे। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, उसका रिजल्ट उस समूह में क्या हुआ ये हम पांच और छठे पद में देखते हैं, और भाई गब्बर सिंह पांच और छह पद पढ़कर सुनाएंगे। मत्ती तीसरा अध्याय पांच और छह पद। जी सर, जी जी जी। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उनके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। शुक्रिया गब्बर सिंह। हर बार बाइबल पढ़ने के बाद बंद करके संदूक में ताला लगा देते हो क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो आज मैं तीसरे अध्याय से बहुत सारे पद बोलूंगा, मेरे बोलने से पहले पढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया और जब उसने ये घोषणा की
कि मन फिराओ, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ इसको हम देखें, यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास आए और हम देखते हैं कि लोग अपना पाप मान लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। यहाँ एक जब कुछ पद ही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी पद आप जो अपने आप पढ़ के देख लीजिए। वहां हम देखते हैं समाज का हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति और समाज का बड़े से बड़ा व्यक्ति, फरीसी, शास्त्री, सैनिक लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आप में कोई छोटी हस्ती नहीं था, वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, इतनी बात प्रभु के वचन में क्लियर है। लेकिन उस भविष्यवक्ता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और आज मैं भी उसी व्यक्ति की ओर आपको इशारा करना चाहता हूं या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 11वें पद को जरा पढ़िए, 11वां पद। भाई गब्बर सिंह, 11 से तुम्हें बपतिस्मा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। शुक्रिया। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आप में कोई सामान्य हस्ती नहीं था, वो इतना महान भविष्यवक्ता था कि जब उसने आकर ये घोषणा की कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पापों से क्षमा मांगो, तो लोग थोक में आकर, ना केवल सामान्य व्यक्ति बल्कि फरीसी, शास्त्री, जो कि उस समाज में बड़े 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 धर्म गुरु हुआ करते थे, और सैनिक लोग सब आकर वहां पर बपतिस्मा लेने लगे, ये हम देखते हैं। ये महान व्यक्ति अपने से भी महान एक हस्ती के बारे में घोषणा करता है, जहां लिखा है जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है उसके बारे में लिखा है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। हम इस बात को जानते हैं कि किसी व्यक्ति का जूता उठाना उस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक विनम्रता को दिखाता है, बहुत अधिक विनम्रता को। तो यहां ये महान भविष्यवक्ता ये घोषणा करता है कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाले हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। कितने शक्तिशाली है ये आगे प्रभु का वचन हमको बताता है, लेकिन वो कितना महान है उसके बारे में ये महान भविष्यवक्ता बताते हैं, मैं उस व्यक्ति का जूता उठाने के काबिल नहीं हूं। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाओं के दौरान ये बात साफ साफ बताई थी कि ये एलिया है। पुराने नियम में प्रभु ने ये प्रॉमिस किया था कि आने वाले मसीहा के आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। प्रभु यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों को स्पष्ट किया कि मेरे आने से पहले या मसीहा के आने से पहले एलिया जो आने वाला था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। एलिया के बारे में हम जानते हैं भविष्यवक्ताओं में वो इतना महान था कि मनुष्य के समान मृत्यु देखना नहीं पड़ा, बल्कि स्वर्ग से अग्निमय रथ आया और एलिया को जीवित ही आकाश में ले गए। इतना महान व्यक्ति था वो। महान भविष्यवक्ता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो उनसे भी ज्यादा महान है, और इतना महान है कि दुनिया में जितने भविष्यवक्ता हुए हैं उनमें सबसे महान भविष्यवक्ता कहता है कि मैं तो उस व्यक्ति का जूता उठाने के लिए योग्य नहीं हूं। तो वो आने वाला व्यक्ति कितना महान होगा। उस व्यक्ति के बारे में उसी पद के आगे हमने देखा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हम सब त्रि एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से जनता को बपतिस्मा देगा वो कौन है? मैं आप तो हो नहीं सकते। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मुझ जैसा इतना बड़ा भविष्यवक्ता वो भी उस व्यक्ति के योग्य नहीं है। इतना महान व्यक्ति है आने वाला जो कि तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा से नहीं, यहाँ प्रभु का वचन याद दिलाता है आग से बपतिस्मा देगा। ये आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिंतिकोस्त के दिन जो घटना हुई थी उसकी ओर इशारा करता है, लेकिन आग से बपतिस्मा पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय में आग से विश्वासियों के काम को परखने के बारे में, और उसके अलावा इब्रानियों की पत्री उसके छठे अध्याय में हम जो फल फूल लाते हैं उसको आग से परखने के बारे में है। स्पष्ट है कि यहाँ विश्वासियों के भविष्य के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो पिंतिकोस्त के दिन जो व्यक्ति मंडली को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे, और जो आने वाले भविष्य में हर मंडली युग के हर विश्वासी को आग के बपतिस्मे से होकर गुजारेंगे, वो व्यक्ति आने वाले हैं। लेकिन इसमें विशेषता हम इस बात को नोट करें कि उस व्यक्ति की महानता इतनी अधिक है कि जितने भविष्यवक्ता हुए हैं पुराने नियम और नए नियम में, जितने भविष्यवक्ता हुए हैं उनमें सबसे महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कहता है कि मैं तो उस व्यक्ति का जूता उठाने के योग्य नहीं हूं। यह है प्रभु यीशु की महानता। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस विश्व की रचना प्रभु ने की थी, क्योंकि यूहन्ना पहले अध्याय में हम देखते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उत्पत्ति एक में हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन सब चीजों को जोड़कर जब हम देखते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अपने वचन से, अपनी एक आज्ञा से जिस व्यक्ति ने इस पूरे असीमित विश्व की रचना की वो प्रभु हैं जो आने वाले थे, जो आग और पवित्र आत्मा से लोगों को बपतिस्मा देते हैं। इतना ही नहीं, बारहवें पद में हम उस प्रभु के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं। ये पृष्ठभूमि समझना जरूरी है, आज्ञाकारी बादशाह के बारे में और बादशाह की आज्ञाकारिता की महानता के बारे में समझना हो तो ये पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। बारहवें पद में हम क्या देखते हैं? उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ प्रभु यीशु क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देते वाले बताते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है। अब आजकल तो खान पान का सामान मसाला वगैरह तो पैकेट में आने लगा है, इसलिए सूप वगैरह का उपयोग कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गांव में सूप का उपयोग होता है और हम इस बात को जानते हैं कि सूप में फटक कर जो उपयोगी है उसको जो अनुपयोगी है उससे अलग कर दिया जाता है। तो प्रभु का सूप प्रभु के हाथ में है का मतलब यह है कि ऐसा समय आने वाला है जब प्रभु के बच्चों के बीच में जो उपयोगी है, मतलब जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और जो सिर्फ अपने आप को प्रभु का बच्चा कहते हैं, इनको प्रभु अलग करेंगे। जिस तरह से धान या अनाज और भूसे को सूप के द्वारा फटक कर अलग कर दिया जाता है, उसके बाद स्पष्ट लिखा है कि गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा,
मूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये भविष्य की तरफ इशारा करता है जब प्रभु संसार का न्याय करेंगे, और प्रभु संसार का जब न्याय करेंगे तो उस समय जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वे सब प्रभु के साथ जाएंगे। खत्ते में इकट्ठा करेंगे का मतलब यह है कि उन लोगों को प्रभु के साथ जहां जाना है वहां शाश्वत काल के लिए प्रभु ले जाएंगे। लेकिन भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अवसर मिलने पर भी जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया उन लोगों को शाश्वत नरक में जाना पड़ेगा। इतनी बातें जो अभी हमने देखी ये पृष्ठभूमि है। काहे की पृष्ठभूमि आप पूछेंगे? इस बात की पृष्ठभूमि कि हम प्रभु की महानता को समझें। प्रभु यीशु शाश्वत परमेश्वर जिन्होंने इस पूरे विश्व की सृष्टि की, जिनका क्लोज या जिनके साथ साथ जो जो भविष्यवक्ता चले थे, जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, वो कहते हैं कि मैं तो उनका जूता उठाने के योग्य नहीं हूं। क्यों? प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, प्रभु हमारे महायाजक हैं। अब इस प्रभु ने जो किया वो कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हम 13वें पद से देखते हैं। 13वें पद को जरा पढ़िए। जी सर, तीसरा अध्याय 13वां पद। जी, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। आगे हाँ, इतना पर्याप्त है। अभी हम एक ताज्जुब की बात देखते हैं। यूहन्ना ने आकर मन फिराव की घोषणा की। पापी लोग, हर तरह के समाज के पापी लोग यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए और अपने पापों से उन्होंने क्षमा मांगी और बपतिस्मा लिया। जब ये चल ही रहा था तो प्रभु यीशु यरदन के किनारे आए। यरदन नदी के बारे में प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यूहन्ना यरदन के किनारे प्रचार करता था, क्योंकि यरदन में काफी पानी था जिससे कि वो लोगों को बपतिस्मा दे सके। पापी लोग आ रहे थे, वो अपना पाप मान रहे थे, मन फिरा रहे थे, पाप मान रहे थे, यूहन्ना के सामने अपनी गलतियां मान रहे थे। कई लोगों ने आके पूछा हम क्या करें, यूहन्ना ने उनको बताया अन्याय मत करो, लोगों के साथ गलत व्यवहार मत करो। ये सब होने के बाद अचानक एक व्यक्ति यूहन्ना के पास आता है। कौन है वो व्यक्ति? प्रभु यीशु। उस समय प्रभु यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए पधारे। ये अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है। ताज्जुब इसलिए है कि यूहन्ना ने घोषणा की कि लोग मन फिरा कर बपतिस्मा लें। अभी यूहन्ना के सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ है जिसे मन फिराने की कोई जरूरत नहीं है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आसमानी बादशाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने खड़े हुए हैं। उसको तो देख के एकदम से यूहन्ना को शॉक लगा। 14वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? 14वें पद को जरा पढ़िए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। देखिए, यूहन्ना ने एक नजर में पहचान लिया कि प्रभु यीशु जगत के सृष्टि करता है, और एकदम से देखकर वो शॉक रह गया। यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना कई महीनों से ये प्रचार कार्य कर रहा था। पुराने नियम में जैसा कहा गया था, प्रभु यीशु के आने से पहले प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना को भेजा गया था, और महीनों से
यूहन्ना बार बार इसी बात की घोषणा कर रहा था, प्रभु का राज्य आने वाला है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो और मन फिराव के अनुसार उचित कार्य करो, मेरे बाद प्रभु आने वाले हैं और प्रभु आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे। जिस तरह से सूप में एक स्त्री फटक कर अन्न को भूसे से अलग कर देती है और भूसा जला देते हैं, उस तरह से प्रभु करेंगे। ये सब कहने के बाद अचानक प्रभु जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा के लिए पहुंचते हैं तो यूहन्ना को आंखों यकीन नहीं हुआ। जितने लोग उसके पास बपतिस्मा के लिए गए थे, यूहन्ना ने सबको बपतिस्मा दिया लेकिन एक व्यक्ति को रोका, वो है प्रभु यीशु। यूहन्ना ने प्रभु से जो स्टेटमेंट कहा वो यह है, यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। स्वाभाविक है, इस संसार का बादशाह जब एक भविष्यवक्ता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बपतिस्मा लेने के लिए अनुरोध करता है तो स्वाभाविक है कि भविष्यवक्ता को शौक होगा। इसलिए यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आए हैं। यूहन्ना इस बात को नहीं समझ पाया। उसका उत्तर प्रभु यीशु ने 15वें पद में दिया जो हमारे आज के थीम से संबंधित है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। शुक्रिया भाई। देखिए प्रभु यीशु का जवाब क्या था। यूहन्ना महीनों से लोगों को मन फिराव के लिए बुला रहा था, जो भी यूहन्ना के पास पहुंचता था उनको बपतिस्मा देता था, बार बार आने वाले मसीहा के बारे में घोषणा कर रहा था। अचानक एक दिन उसको धक्का लगा, शॉक लगा कि जिस मसीहा के बारे में वो घोषणा कर रहा है, वो मसीहा, वो मुक्तिदाता उसके सामने खड़े हुए हैं कि भैया मुझे बपतिस्मा दो। इसलिए वो प्रभु को रोकता है, लेकिन प्रभु ने यूहन्ना को जो जवाब दिया वो ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु को वहां पाप क्षमा की जरूरत नहीं थी, प्रभु निष्पाप और निष्कलंक थे, उन्हें बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। और प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रभु वहां मन फिराव के लिए नहीं आए हैं, प्रभु वहां मन फिराव का बपतिस्मा लेने के लिए नहीं आए हैं, प्रभु एक और उद्देश्य के साथ आए हैं। और वो उद्देश्य प्रभु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, ऐसा होने दो, मतलब तुम मुझे बपतिस्मा दो, पाप क्षमा का नहीं, मन फिराव का नहीं, किस बात का बपतिस्मा, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रभु यीशु जब संसार में आए तब वह एक विशेष पीरियड था। यहूदियों के बारे में हम जानते हैं, लगभग 1450 के आसपास वे लोग कनान देश में जाकर सेटल हो गए। 1500 साल प्रभु ने उनके बीच में कार्य किया। इन 1500 सालों के सबसे आखिर के 400 साल प्रभु ने कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा। 400 साल के गैप के बाद प्रभु ने एक बहुत ही महान और शक्तिशाली भविष्यवक्ता को भेजा, जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। उस महान भविष्यवक्ता ने यहूदियों के बीच में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बपतिस्मा, जो उनके आत्मिक जीवन को और आपसी संगति को, आपसी भाईचारे को, और इस बात को प्रदर्शित करता था कि वे सब परमेश्वर के परिवार के अंग हैं। तो प्रभु यीशु जब संसार में मनुष्य के रूप में आए तो प्रभु कहते हैं कि मुझे बपतिस्मा दो, इसलिए नहीं कि मैं मन फिरा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे मन फिराने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि मैं पापों से क्षमा मांग रहा हूं, बल्कि इसलिए कि हमें इस रीति से
सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये बताइए, संसार के सृष्टा जिन्होंने इस पूरे विश्व की रचना की है, उन्हें किस बात की धार्मिकता पूरी करनी है? उन्होंने तो हमारी सृष्टि की है। मनुष्य जब अपने आत्मिक परिवार के अंगत्व को दिखाने के लिए, मेंबरशिप को दिखाने के लिए, उस समय मैं मंडली में जो बपतिस्मा दिया जाता है उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मे की चर्चा कर रहा हूं। वो इस बात को दिखाता था कि हम सब एक आत्मिक परिवार है, उस परिवार की तो सृष्टि प्रभु ने की थी, तो फिर प्रभु को बपतिस्मे की क्या जरूरत थी? ये इसका उत्तर प्रभु देते हैं, सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रभु को धार्मिकता पूरा करना उचित क्यों है? इसलिए कि संसार के सृष्टा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मनुष्य को उद्धार देना चाहते थे। उद्धार देने के लिए ये जरूरी था कि मनुष्य ने जो पाप किए हैं उस पाप की सजा कोई भुगत ले। मनुष्य अपने आप में उस सजा को भुगत नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मनुष्य तो पापी है, शाश्वत काल तक वह नरक में रहेगा तो भी वो अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता है। जरूरत ऐसे व्यक्ति की थी जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, जो इस सारे विश्व में जितने लोग पैदा हुए थे, हो रहे हैं और होंगे, उन सब के पापों को अपने ऊपर उठा ले। इसके लिए ये जरूरी था कि प्रभु देहधारी होकर, शाश्वत प्रभु देह धारण करके इस पृथ्वी पर पधार कर मेरे और आपके समान जीवन बिताए। मेरे और आपके समान जीवन बिताए का मतलब क्या? मैं और आप जीवन में जिन बातों से होकर गुजरते हैं, उन सारी बातों में, बातों से होकर वो गुजर सके या गुजरें, सही शब्दों का गुजरें। जब प्रभु संसार में पधारे तो उस समय धार्मिक यहूदियों का चिन्ह यह था। धार्मिक का मतलब वे लोग जो प्रभु की निकटता में जीना चाहते हैं, उनका चिन्ह था कि वे लोग जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा ले रहे थे। प्रभु ने कहा कि मैं भी उस धार्मिकता को पूर्ण करना चाहता हूं और इसलिए हे यूहन्ना तुम मुझे बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जब संसार में मनुष्य रूप लेकर आया या मनुष्य रूप लेकर जब पधारे तो वे उन सब कार्यों को करना चाहते थे जो उस समय एक धर्मी मनुष्य के लिए करना जरूरी है। और प्रभु यीशु जब संसार में आए तब उस समय जो धर्मी लोग थे वे सब जाकर, या जो धार्मिकता पाना चाहते थे या अपने आप को मन फिरा हुआ दिखाना चाहते थे, वो जाकर बपतिस्मा लेना चाहते थे। प्रभु ने भी जाकर एग्जैक्टली ऐसा ही किया। क्यों? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को ये करने की जरूरत क्या थी? प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जो धनी था वो हमारे लिए गरीब बना, जिससे कि उसके गरीब बन जाने से हम धनी हो जाएं। बादशाह, राजाओं का राजा दुनिया में आकर मनुष्य के जीवन में जो आज्ञाकारिता दिखनी चाहिए, उन्होंने वो आज्ञाकारिता दिखाई, प्रदर्शित की, जिससे कि वे हर तरह से मनुष्य की समानता में जुट जाएं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रभु को इसकी कोई जरूरत नहीं थी। प्रभु संसार के सृष्टा हैं, लेकिन प्रभु ने यह निश्चित किया था कि वे इस संसार में आकर मनुष्य की समानता में जुट जाएंगे, ना केवल देह धारण करके संसार में आएंगे बल्कि हर तरह से अपने आप को मनुष्य के समान बनाएंगे, जिससे कि मनुष्य जीवन में जिस चीज से होकर गुजरता है सब में से होकर गुजर सके और बाद में सूली पर अपना जीवन हमारे लिए दे सके। प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी बादशाह जो जिसने इस पूरे विश्व की रचना की, मुझे और आपको
मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए आज्ञाकारी बन गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूं। प्रभु के लिए मनुष्य रूप धारण करना कतई जरूरी नहीं था, मनुष्य को उद्धार देना कतई जरूरी नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझ पे और आप पर ये दया, ये करुणा दिखाई कि मनुष्य रूप धारण करके संसार में आकर हमारी समानता में जुटकर मैं और आप जीवन में जिन दुख दर्दों में से होकर गुजरते हैं, उनमें से गुजरकर, भूख और प्यास में से होकर गुजरकर, थकावट से गुजरकर, दूसरों का विरोध सहकर, एक पवित्र जीवन बिताकर सूली पर जाकर उन्होंने अपना बलिदान दिया। मैंने और आपने जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनके जीवन में प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो किया है उसके प्रति आभार दिखता है क्या? ध्यान दीजिए, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि आभार है क्या, आभार है क्या मैं पूछूंगा तो सब कहेंगे हाँ ब्रदर बहुत आभार है, मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न, ध्यान से सुनिए, मेरा प्रश्न यह है कि आभार दिखता है क्या? आप पूछेंगे दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आभार है यह हर कोई बोल सकता है, लेकिन वो मन में रहता है आभार। लेकिन यदि वाकई में हमारे मन में आभार हो, सचमुच का आभार हो, तो वो दिखेगा, हमारी बोली में दिखेगा, हमारी सोच में दिखेगा, हमारे नजरिए में दिखेगा, और जिस तरह से हम दूसरों से बात करते हैं उसमें दिखेगा। इसलिए आज मेरा प्रश्न यह है कि आज्ञाकारी बादशाह प्रभु, उन्होंने ये सब जो सहा उसके कारण मुझे और आपको जो नया जीवन दिया, उस नए जीवन के प्रति मेरे और आपके जीवन में जो आभार होना चाहिए वो दिखता है क्या? दूसरे लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं तब उस आभार को हमारे जीवन में वे लोग देख सकते हैं क्या, देख पाते हैं क्या? प्रभु तो जब संसार में आए, संसार के सृष्टिकर्ता बादशाह, एक आज्ञाकारी बादशाह के रूप में आए जिससे हमको नया जीवन दे सके। हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अगले अध्याय के शुरू के दो पद हम जरा पढ़ें। अगले अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय उसके शुरू के दो पद। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। इबलिस मतलब शैतान। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, किस लिए लिया? धार्मिकता पूर्ण करने के लिए, मतलब बादशाह ने आज्ञाकारिता दिखाई। उसके बाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले जाते हैं जिससे कि शैतान उनकी परीक्षा करे। अरे संसार के सृष्टिकर्ता, उनके लिए क्या जरूरी है कि सृष्टिकर्ता का विरोधी शैतान उनकी परीक्षा करे? बादशाह की आज्ञाकारिता, जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए तो ये देखना जरूरी था कि शैतान जिस तरह से मेरे और आपके जीवन में परीक्षा करता है, उस तरह से प्रभु यीशु की परीक्षा करेंगे तो प्रभु उस परीक्षा में विजयी होंगे या नहीं होंगे। संसार के सृष्टिकर्ता को इस तरह से प्रमाण देने की क्या जरूरत थी? प्रमाण नहीं दे रहे थे वो, मेरे और आपके सामने ये सिद्ध कर रहे थे कि जब मनुष्य रूप धारण करके आए तो वे ना केवल देहधारी ईश्वर थे बल्कि आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बादशाह थे। इस तरह का कोई बादशाह आपने देखा है क्या? हम में से कई लोग दफ्तरों में काम करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह दफ्तर पहुंच रहे हैं,
अचानक आपके जूते का फीता खुल जाता है और आप मुड़कर जूते का फीता बांधने जाते हैं, तभी आपके बॉस दूर से कहते हैं, रुको रुको रुको, मैं बांध दूंगा मैं बांध दूंगा। कोई करता है क्या? आप कॉलेज जा रहे हैं, साइकिल से गिर गए, आप उठने की कोशिश करते हैं, आपका प्रिंसिपल आकर आपको उठाता है, साइकिल हटा कर रख देता है, देखता है कि आपके जूते का फीता खुल गया है, वो आपके जूते का फीता बांधेगा क्या? प्रभु जब संसार में आए तब प्रभु मैं बड़ा हूं मुझे कुछ नहीं करना है ये कहने के लिए नहीं आए थे। वे एक आज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में आए थे जो हर बात में प्रभु को मनुष्य के सामने अपनी आज्ञाकारिता दिखाना चाहते थे। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गए जहां शैतान प्रभु की परीक्षा करे। याद रखिए, जो बड़ा है उसके लिए अपनी हैसियत से नीचे का काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु जानबूझकर शैतान के द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए तैयार हो गए, जिससे कि मैं और आप जिंदगी में जिन अनुभवों से होकर गुजरते हैं प्रभु भी उसी अनुभव से होकर गुजरें। क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु की दया है कि प्रभु मेरी और आपकी समानता में जुट गए, क्योंकि हम स्वयं देखते हैं इब्रानियों की पत्री में कहा है कि हमारे एक ऐसा महायाजक है जो हमारे दुख और दर्द को जानता है और जो हमारे दुख दर्द में हमारा भागी है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गए जिससे कि शैतान जिस तरह से मेरी और आपकी परीक्षा करते हैं उस तरह से प्रभु की भी परीक्षा करें, और जिस तरह से मुझे और आपको परीक्षा में विजयी होना है उस तरह से वे भी परीक्षा में विजयी हो सके। पहले पद में हमने पढ़कर देखा कि 40 दिन और 40 रात वे निराहार रहे, 40 दिन और 40 रात फास्टिंग करना बहुत मुश्किल बात है। एक आध दिन के लिए हो सकता है, सामान्य व्यक्ति दो दिन में ही हथियार डाल देता है, लेकिन 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु क्यों निराहार रहे, क्यों बिना भोजन रहे? परीक्षा। मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है प्रभु सब में से होकर गुजरना चाहते थे जिससे कि मनुष्य को उद्धार दे सके। 40 दिन नेचुरली, 40 दिन और 40 रात प्रभु ने फास्टिंग किया, उसके बाद उन्हें भूख लगी। नहीं नहीं, 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु भूखे रहे, भूख लगी नेचुरली, फास्टिंग किया भूख लगी। अब शैतान प्रभु के पास आता है। तीसरे और चौथे पद में हम क्या पढ़ते हैं? तब परखने वाले पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मनुष्य को मुक्ति देने के लिए जब प्रभु यीशु संसार में आए थे तब वो पूर्ण मनुष्य थे, पूर्ण ईश्वर तो थे, उसके साथ साथ पूर्ण मनुष्य भी थे। मनुष्य हम जानते हैं भूख के कारण बहुत कुछ करता है। हिंदी में कहावत है, पापी पेट के कारण मैं ये कर रहा हूं। कई बार लोग ऐसी नौकरी करते हैं जो उनके लिए उनकी हैसियत से नीचे की है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं करना नहीं चाहता थे लेकिन पापी पेट के लिए कर रहा हूं। प्रभु जब पूर्ण मनुष्य के रूप में संसार में आए तो मुझे और आपको जैसे भूख लगती है एग्जैक्टली ऐसे ही प्रभु को भूख लगती है। इसलिए शैतान ने कहा, अच्छा
तुम परमेश्वर के पुत्र हो, मतलब तुम ईश्वर हो, ईश्वर होने का दावा करते हो, तो एक काम करो, भूख लगी है ना, पत्थरों को रोटी बना दो। प्रभु जब संसार में आए थे तब प्रभु ने चूंकि मनुष्य रूप धारण किया था, उसकी एक उसमें एक कंडीशन था, एक शर्त थी, वो ये कि वे अपनी जो दिव्य शक्तियां हैं उनका उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करेंगे। जब हम फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि जब प्रभु यीशु, इस बात को ध्यान से जरा सुन ले, जब प्रभु यीशु संसार में पधारे मनुष्य रूप धारण करके, तब आज्ञाकारिता का हिस्सा था कि प्रभु कभी भी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए नहीं करेंगे। जब शैतान ने जाल फेंका, यदि तुम परमेश्वर हो तो ये रोटी जो ये पत्थर इसको रोटी बना दो, भूखा आदमी पापी पेट के लिए बहुत कुछ करता है। प्रभु यीशु उस समय, मैं याद दिला दूं, अपने इतने भूखे थे कि उनको भोजन जरूरी था और आसपास कहीं कोई भोजन नहीं दिख रहा था। उस समय जैसे ही शैतान ने एक धक्का दिया तो गिर जाना स्वाभाविक था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब उस परीक्षा में प्रभु ने विजय पाई। इस बात को मैं याद रख दिलाना चाहता हूं, फिलिपियों 2:6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। इसका क्या मतलब? जब प्रभु संसार में आए थे तब अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग दूसरों को चंगाई देने के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रभु उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन एक सच्चे मनुष्य के रूप में जब पृथ्वी पर आए तब एक सच्चे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जीने की एक शर्त थी कि वे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग अपने स्वयं के काम के लिए ना लाए, तभी तो सच्चे मनुष्य के रूप में जी सकेंगे। बादशाह की आज्ञाकारिता, राजाओं के राजा की आज्ञाकारिता, 5वें पद में हम देखते हैं, 5वें और 6वें पद में, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, थैंक यू। 7वां पद भी जरा पढ़ दीजिए। जी सर। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखिए, शैतान अगला जाल डालता है, जिस तरह से मेरे और आपके जीवन में होता है। अगला जाल क्या है? फेंकता है फांसने के लिए, कि सबसे ऊंची जगह पर खड़ा करके कहता है कि नीचे गिरा दो, क्योंकि भजन संहिता में एक पद है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुमको उठा ले, जिससे तुम्हारे ऐसा ना हो कि तुम्हारे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यहां पर क्या हो रहा था? शैतान प्रभु पर जाल फेंक रहा था कि प्रभु अपनी योग्यता दिखाएं, आज्ञाकारी बादशाह, राजाओं का राजा जो आज्ञाकारी था, वे जब मनुष्य के रूप में आए तब इस बात को जानते थे, मनुष्य के रूप में आए पूर्ण मनुष्य के रूप में जीना जरूरी है, और इसलिए एकदम से प्रभु के वचन से जवाब दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं 8वां पद। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। हाँ, 10 तक पढ़ दीजिए। उसने उस
उसने उसने उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हम में से हर मनुष्य के जीवन में कुछ बातें उसको गलतियों में गिर जाने के लिए प्रेरित करती है। नंबर वन है भूख। बहुत सारे लोग जो चोरी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको अपराध पसंद है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो भूख के कारण करते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूं जो भूख के मारे अपराध करते हैं। प्रभु यीशु के सामने शैतान ने पहला जाल डाला, भूखे हो, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है, उसका उपयोग करो और रोटी बना लो। नहीं, राजाओं के राजा, आज्ञाकारी बादशाह ने इस बात को याद रखा कि जब मैं इस संसार में हूं तब मुझे पूर्ण मनुष्य के रूप में रहना है, मुझे किसी भी तरह से अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करना है। दूसरा जाल फेंका, जरा गिरा के तो दिखाओ। प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु की परीक्षा नहीं करना। तीसरी बात, हम जानते हैं कि दुनिया का सब कुछ यदि देने को कोई प्रॉमिस कर दे तो लोग कितने सारे अपराध करते हैं। हम खुद जानते हैं, रोज अखबार में देखते हैं लोग धन के लिए, यश के लिए, सत्ता के लिए कितने अपराध करते हैं। आज जब मैं ये संदेश दे रहा हूं, इस समय हम जानते हैं भारत की क्या स्थिति है, अधिकार पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। शैतान का जाल ये था, मैं तुमको सत्ता दूंगा। तीन चीजों में उसने प्रभु यीशु की परीक्षा की, तीनों में प्रभु यीशु ने अपनी आज्ञाकारिता दिखाई। इसका फल क्या हुआ कि शैतान प्रभु को छोड़कर चला गया। 11वें पद में हम क्या पढ़ते हैं, 11वां पद, तब शैतान उसे उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। एक बात बताइए, जो व्यक्ति जिसकी सेवा स्वर्गदूत, यहां स्वर्गदूत बहुवचन में है, स्वर्गदूत फेस टू फेस आकर जब उनकी सेवा करते हैं तो वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जिस व्यक्ति की सेवा स्वर्गदूत करते हैं और स्वर्गदूत जिस व्यक्ति की सेवा के लिए सदैव तैयार है, उस व्यक्ति को आज्ञाकारिता की क्या जरूरत थी। यह है जो मैं आज कंक्लूशन में आपको बताना चाहता हूं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस संसार में पधारे मुझे और आपको नया जीवन देने के लिए। प्रभु किसी की आज्ञा उनको मानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब संसार में आए तब हम में से हर व्यक्ति, जिस तरह से मनुष्य और ईश्वर, मनुष्य के बनाए कायदे कानून, परमेश्वर के बनाए कायदे कानून, इनका पालन करता है, इसी तरह से प्रभु यीशु ने सब चीजों का पालन किया। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि लोगों ने आके पूछा, तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं देता क्या? तुरंत पत्रस प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसको रास्ता बताया कि किस तरह से चुंगी देना है। जब प्रभु संसार में आए तब प्रभु मनुष्य के बनाए हुए सब कानूनों का और प्रभु के बनाए हुए सब कानूनों का पालन करते थे, आज्ञाकारी बादशाह। क्यों? अब कंक्लूशन में ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। आज से 6000 साल पहले मेरे और आपके आदिम माँ बाप ने पाप करके किस तरह से पाप अपने सर पर रख लिया था, इस बात को हम जानते हैं। भजन संहिता हमको याद दिलाता है, पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भ धारण किया। उसका सही अनुवाद है, पाप के साथ मेरी माँ ने मुझे गर्भ धारण किया। गर्भ धारण से वो पाप मेरे आपके साथ है, वो मुझे और आपको गुलाम बनाने की कोशिश करता है, मेरे आपके सारे कामों को नियंत्रित करता है।
रोमियों की पत्री 7वां अध्याय कहता है कि जो पाप मैं नहीं करना चाहता उसको करता हूं, और जो करना चाहता हूं, जो धार्मिकता करना चाहता हूं नहीं करता। पाप इतनी भयानक चीज है, मुझे और आपको इस पाप की सजा से बचाने के लिए रोमियो 3:23 बताता है पाप की सजा, रोमियो 6:23 याद दिलाता है पाप की सजा मृत्यु है, उससे बचाने के लिए प्रभु संसार में आए। बादशाह, नियंत्रण करने वाले बादशाह के बदले आज्ञाकारी बादशाह बन गए। इस कारण दो बात मैं क्लोजिंग में आपको याद दिलाना चाहता हूं। नंबर वन, जितने भाई बहन लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और जो इस संदेश को सुन रहे हैं, उनसे मेरा प्रश्न है, आपके जीवन में आपके प्रभु के अनुसार आज्ञाकारिता दिखती है क्या? मनसा वाचा कर्मणा आज्ञाकारिता दिखती है क्या? नहीं तो आप क्या करने जा रहे हैं? पश्चाताप कीजिए जिससे कि आपके जीवन में आज्ञाकारिता दिखे। नंबर दो, आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से यदि ऐसा कोई भी भाई है या बहन है या बच्चा है या बच्ची है जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया लेकिन जिसने अभी तक प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आज वे प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। याद रखिए, बादशाह, राजाओं के राजा को कोई आज्ञाकारिता की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे आज्ञाकारी बादशाह बन गए जिससे कि मैं और आप ने एक नया जीवन पाए। ये नया जीवन जिन्होंने पाया है, वे इस नए जीवन के अनुसार उपयुक्त चाल चलें, उसके लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।